साथियों, आज हम उन कंपनीज के विषय में बात करेंगे जो भारत में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। साथियों, आपको मालूम होगा कि भारत सरकार की योजना रही है कि विदेशों से कम सामान आयात किया जाए और भारत में ही इसका निर्माण किया जाए। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे इन तीन कंपनियों के विषय में जिन्होंने इस प्रकार का निर्माण, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का निर्माण भारत में शुरू किया। साथियों, ये तीनों अलग क्षेत्र की कंपनियाँ हैं। पहले ये होता था कि जो भारत में जो मल्टीनेशनल कंपनी है, जो बड़ी कंपनी है, वो अपने अधिकतर कंपोनेंट चीन से खरीदती थी, चाइना से। लेकिन भारत सरकार की इस नीति से भारत सरकार ने सहायता प्रदान की, अवसर दिए और भारत में भी एक रास्ता खुल गया कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का, जिसके अंतर्गत ये तीन छोटी कंपनियाँ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। साथियों, इसका परिणाम ये हुआ कि ये छोटी कंपनियाँ छोटे समय में इनके दाम लगभग 5 गुने बढ़ गए। यदि आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो आपने देखा होगा कि पहली कंपनी है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। साथियों, ये एक छोटी कंपनी थी, स्मॉल कंपनी थी। डिक्सन टेक्नोलॉजीज जो है वो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और लाइटिंग प्रोडक्ट की सबसे बड़ी घरेलू कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। साथियों, जिन कंपनियों के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है उनमें बड़े बड़े नाम है, पैनासोनिक, फिलिप्स लाइटिंग, जियोनी, इंटेक्स टेक्नोलॉजीज और रिलायंस रिटेल। इसके अलावा और भी कंपनीज हैं इनके लिए काम करती है। साथियों, दूसरी कंपनी है अंबर इंटरप्राइजेस। अगर आपको इसके टॉप क्लाइंट्स के बारे में बताएं तो इनके पास वोल्टास, पैनासोनिक, ब्लू स्टार, डाइकिन और हिटाची जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके कंपोनेंट्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग करती। इस कंपनी के पास कॉन्ट्रैक्ट एसयू मैन्युफैक्चरिंग में लगभग 55% मार्केट शेयर है। साथियों, ये शेयर कुल एसी मार्केट का 19% हिस्सा कवर करती है, यानी भारत में बनने वाला हर 5वां एसी अंबर इंटरप्राइजेस का होता है। अंबर की 11 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। फिस्कल ईयर 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक अंबर इंटरप्राइजेस का रेवेन्यू 1652 करोड़ रहा। इसकी ग्रोथ की रफ्तार 70% रही। कंपनी ने पिछले 5 सालों में अपनी कैपेसिटी बढ़ाने पर लगभग 500 करोड़ रुपये निवेश किया। साथियों, तीसरी जो है वो फूड में, कॉस्मेटिक में और लेदर आइटम्स और कुछ ऐसी FMCG सामान बनाने के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में इसने अपना काम शुरू किया। साथियों, इसकी दो सहायक कंपनियां हैं, एक है एवलैन कॉस्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी है ATC बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड। इनके साथ मिलकर ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती। साथियों, ये जिनके लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती उसमें बड़े बड़े नाम हैं, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, रैकेट बैंकाइजर, विप्रो, GSK इमामी और दूसरे बड़े नाम हैं। साथियों, ये काफ़ी कम समय में इसने जो सामान, इन तीनों कंपनियों ने जो सामान बाहर से आयात होता था उसका अधिकांश हिस्सा भारत में ही बनाना शुरू किया और भारत में ही इस बड़ी बड़ी कंपनियों को जो ये बाहर से खरीदते थे उन्हें प्रोवाइड करना शुरू किया। और इसका परिणाम ये हुआ कि इनकी ग्रोथ की रफ्तार अचानक बढ़ गई और उसका परिणाम ये हुआ कि इसके शेयर लगभग 5 गुना हो गए। साथियों, आप भी कभी किसी कंपनी का चुनाव करें तो उसके ग्रोथ को बहुत अच्छी तरह समझे कि अगले आने वाले 20 सालों में इसकी ग्रोथ की कितनी उम्मीद है और कहां तक ये जा सकता है। जिन कंपनियों की ग्रोथ पूरी हो गई हो, सैचुरेट हो गए हों, उनमें पैसा लगाए रखने का कोई फायदा नहीं है। साथियों, दूसरा काम ये करें कि कंपनी ये देखें कि वो विस्तारवादी हो, यानी अपना एक्सटेंशन कर रही हो, अपने व्यापार को आगे बढ़ा रही हो। अगर उसके पास व्यापार के आगे बढ़ाने की कोई योजना नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो सैचुरेट हो चुकी हो और उससे निकल जाए। साथियों, कंपनी के फाइनेंशियल पर आप जरूर ध्यान रखें। बिगड़ती वित्तीय स्थिति अगर किसी कंपनी की है और लगातार बिगड़ रही है तो उसमें रुकने का, टिकने का कोई फायदा नहीं। साथियों, कंपनी के मैनेजमेंट को आप जरूर देखें, क्योंकि अगर मैनेजमेंट खराब होगा तो ऐसी कंपनी पर आप बिल्कुल भरोसा मत रखें। साथियों, जब कंपनी विस्तार करती है तो उसे काफ़ी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। जब पैसे में खर्च बढ़ता है तो उसके लाभ जो है कम होते हैं, लेकिन जैसे ही काम पूरा हो जाता है तो उसका प्रॉफिट अचानक कई गुना बढ़ जाता है और इसका परिणाम होता है कि वो शेयर का रेट भी कई गुना बढ़ जाता है। तो अगर प्रॉफिट में कहीं गिरावट हो रही है तो आप इस बात को अच्छी तरह से समझें कि उसका कारण क्या है। साथियों, आप ऐसी कंपनी पर निवेश ना करें जो पिछले 5-10 साल में हमेशा फ्लक्चुएट करती रहती, ऊपर नीचे जाती रहती, अर्थात एक लाइन में टिकी रहती। इसका अर्थ यह है कि उसका व्यापार ऐसा है, उसमें ग्रोथ नहीं है, वो क्षणिक कभी बढ़ जाता है और क्षणिक कभी कम हो जाता है। ऐसी कंपनी से दूर रहें और उन्हीं कंपनी में निवेश करें जिनका उत्तरोत्तर ग्रोथ हो, ग्रोथ हमेशा बढ़ती रही हो। साथियों, इन तमाम बातों को देखें, समझें, सोचें
और हमने ज़्यादा फाइनेंशियल और तमाम डेटा पर फोकस इसलिए नहीं किया है कि आप अपने आप स्वयं वेबसाइट से इसकी स्टडी करें ताकि आपकी आदत बने, देखें समझें, उसकी मजबूती को परखें, अपने वित्तीय सलाहकार से अवश्य अवश्य लें, उनसे सलाह लें और उसके बाद शेयर मार्केट में निवेश करें और अच्छा लाभ कमाएं। इन्हीं शब्दों के साथ अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।